हेलो गाइस, मैं हूं नितिन पवार और हम हैं नितिन पवार कराटे एकेडमी व्लॉग्स। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं WKF यानी वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के कराटे पॉइंट स्कोर के बारे में। तो आपको कहाँ हमने रिसेंटली एक वीडियो दिया है उस पर डेमोस्ट्रेशन के स्वरूप में, लेकिन हम अभी इस टॉपिक पे चल रहे हैं, इस पर 4-5 वीडियो हम लगातार छोड़ेंगे क्योंकि आपको वो पॉइंट्स टेबल समझ में आ जाएगा। तो हम अभी उस दिन हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया था, आज हम आपको ओरली बताएंगे जैसे कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, हमारे कराटे में पॉइंट के तीन पॉइंट के जरिए हम पॉइंट देते थे। इपॉन यानि 3 पॉइंट्स, वजारी यानि 2 पॉइंट्स और इक्कू यानि 1 पॉइंट्स। तो देखो, जो WKF का जो बुक्स रहता है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का जो बुक है, वो बुक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। मैंने पढ़ा है उस पूरा बुक, उस बुक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपकी मायगिरी नहीं तो हुक नहीं तो स्पिन हुक ऐसे ही टिपिकल किक आपके फेस पे लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कौन सी ही किक WKF के रूल्स के हिसाब से आपकी कौन सी भी किक फेस के सामने, कान पे या पीछे, ऐसे कहीं भी किक आपकी अगर लगी तो आपको इपॉन यानी 3 पॉइंट्स। और इपॉन के डायरेक्शन कैसे रहते हैं, रेफरी सेंटर रेफरी इपॉन के डायरेक्शन कैसे देते, ये हमने हमारे पिछले वीडियो में दे दिया है, आप वहाँ जाके प्रैक्टिकल देख लो। अब ये हो गया इपॉन का। इपॉन में थ्री किक्स यहाँ पे लगे, वो मायगिरी लगे, थर्स किक लगे, हुक किक लगे या साइड राउंड अप किक लगे, कौन सी भी, लेकिन सिर्फ उसमें WKF के रूल्स के हिसाब से आपको सिर्फ जंप किक नहीं लेनी है, जंप लेके किक्स नहीं मारनी है, नहीं तो फिर वो वार्निंग में चला जाएगा। ये आज तो हम सिर्फ 3 पॉइंट्स के ही बारे में चर्चा करेंगे। एक तो पहला हो गया इपॉन, वजारी और इक्कू। तो इपॉन किस पॉइंट कितने पॉइंट देके जाएगा आपको, 3 पॉइंट्स अगर, और ये कहाँ पे, इसके ऊपर, ये हो गया 3 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, वजारी। और 2 पॉइंट कहाँ मिलेंगे, आपके पेट पे किक्स लगने के बाद में, नहीं तो 2 साइड्स, नहीं तो फिर पीठ पे। ओके, तो सिर्फ ये जो किक आके आपकी यहाँ लगी तो भी आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे वजारी, साइड में आके दोनों ही साइड में लगी तो भी आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, और आपके पीठ पे भी किक लगी तो आपको WKF के रूल्स के हिसाब से आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे। ये हो गया आपका 2 पॉइंट्स का। ओके, और उसके जो डायरेक्शन है हमारे पिछले वीडियो में जाके आप देख लेना। अब रहा इक्कू, सिंगल पॉइंट। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आप जब फाइट टांस में रहोगे तो ये जो पंच है ये आपके पेट पे लग के टच होके सिर्फ रिटर्न यहाँ आना चाहिए तो आपको सिंगल पॉइंट यानी इक्कू मिल जाएगा। तो वो आपका पेट पे लगे या चेस्ट पे, नहीं तो फिर फेस पे, लेकिन पेट पे कई अगर थोड़ा जोर से भी लग जाए तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। सेम चेस्ट पे भी अगर जोर से लग जाए तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन फेस पे अगर थोड़ा जोर से लगे तो आपको वार्निंग मिल सकती है। तो मेरे जितने भी भाई बहन प्रैक्टिस कर रहे हैं कराटे की, तो जब भी आप टूर्नामेंट के हिसाब से फाइट खेलोगे तो फेस पे आपकी किक ज़्यादा हिट ना हो, इसकी आप खातिरदारी ले या सेफ्टी ले। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो हम कराटे के यूनिफॉर्म में बेल्ट पहनते, बेल्ट, तो वो बेल्ट के नीचे कहीं भी आपका पंच और आपकी किक्स ना लगे, इसकी आप केयर रखें, क्योंकि इसके नीचे अगर आपका पंच यानी पंच और किक्स लगी तो आपको वार्निंग मिल सकती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, बेसिक्स, पंच, पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स। अगला जो वीडियो है हम ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल एक वीडियो देंगे वार्निंग के बारे में और वार्निंग के बारे में, तो आपको प्रैक्टिकल भी समझ में, जितना 99% आपको प्रैक्टिकल में ही समझ में आ जाएगा, 0.1% जो है आपको में समझ में आ जाएगा। तो हम आशा करते कि पूरे से पूरा आपको पूरा टेक्निक्स हम जितना भी दे सकते हैं आपको वो आपके पूरा समझ में आए, इसीलिए हम ओरली भी और प्रैक्टिकली ऐसे दोनों ही टाइप्स में आपको वीडियो बनाते हैं और आपके लिए पेश करते हैं। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप पूरा देखें, इससे कुछ सीखें और हमको कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा,
कि उससे आपकी जो कमेंट है वो हमारी थोड़ी शक्ति ऊर्जा शक्ति आती है हमें, और हम अगला वीडियो बनाने में थोड़ी जल्दबाजी करते हैं। जिसने भी कोई भी हमारे चैनल पे नया हो तो बेल आइकन को क्लिक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।